उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में जोर शोर से लग गई हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं चुनाव आयोग के नियमों को दरकिनार करते हुए लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जमकर उसकी अवहेलना हुई। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी के अलावा 6 विधायकों के शामिल होने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया गया। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में कोविड नियमों और आचार संहिता के उल्लंघन को चुनाव आयोग ने सख्ती से लिया है। ईसी के निर्देश पर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के गौतम पल्ली थाना में धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने गौतम पल्ली थाने के प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट को कर्तव्यों के निर्वाह में घोर लापरवाही बरतने के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आयोग ने सहायक पुलिस आयुक्त अखिलेश सिंह और रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम गोविंद मौर्य से शनिवार सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण भी मांगा है। समाजवादी कार्यालय में शुक्रवार को भारी भीड़ उमड़ने पर पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं पर गौतम पल्ली थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया, आपदा प्रबंध और महामारी अधिनियम समेत 6 धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक अफसरों की एक टीम मौके पर गई तो वहां कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा था। विक्रमादित्य मार्ग पर वाहन खड़ा करने से रास्ता भी रुक गया था। समाजवादी ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के बागी कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी सहित कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इन नेताओं ने अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हजारों की भीड़ जुटाई। वहां कार्यालय परिसर से लेकर बाहर मुख्य सड़क तक भीड़ जमा हो गई। कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर छोटी रैली आयोजित की गई। इस दौरान मंच पर अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही अन्य काफी लोग बिना मास्क के थे। इतना ही नहीं, समाजवादी कार्यालय में बड़ी तादाद में लोग बिना मास्क लगाए टहल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी से उत्साहित समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 80% लोग पहले ही समाजवादी गठबंधन के साथ थे, अब बचे 20% भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। सरकार को पहले ही पता था कि लोग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी किसी ने 11 मार्च की टिकट बुक कराई थी। अखिलेश ने कहा कि आज साइकिल का हैंडल ठीक है, दोनों पहिए भी ठीक हैं, पैंडल चलाने वाले नौजवान भी बहुत हैं। इस बार साइकिल को कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सेमीफाइनल है, मैं कहता हूं यह फाइनल चुनाव है। सोच रहा हूं एक नेता जिसको अभी तक स्टूल मिलता था, अब उनका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।